तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्योंकि आपका 7 मार्च को, क्योंकि आपका क्या है, 7 मार्च को पेपर है, 7 मार्च को यूपी बोर्ड वाला का पेपर है और उसकी मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्लास 12 की केमिस्ट्री है, जो कि है चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। और मैं वन शॉट कराऊंगा, एक एक चैप्टर का वन शॉट कराऊंगा, 1 आवर्स का होगा या 1 आवर से कम होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं? बिलियन। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी बिलियन से कहानी। इससे स्टार्ट करते हैं बिलियन से कहानी। तो ध्यान से सुनिएगा, बिलियन को आपको समझने से पहले, सॉल्यूशन को हिंदी में बिलियन बोलते हैं, बिलियन को समझने से पहले आपको मिक्सचर के बारे में समझना पड़ेगा। और जैसा मैं लिख रहा हूँ, जैसा आप भी लिखिएगा। और ज्यादा दोस्तों मैं बता दूं, मैं बोलूंगा ज्यादा और लिखूंगा कम, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं बिलियन को समझने से पहले, सबसे पहले हमें मिक्सचर को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? हमें मिक्सचर को समझना पड़ेगा कि मिक्सचर क्या होता है। इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब मिश्रण का मतलब होता है दो पदार्थों का आपस में घुलना या मिलना। मतलब क्या है? सॉरी दोस्तों, जब दो पदार्थों को हम आपस में घुलते हैं या मिलाते हैं, तो उससे लोग उसे कहते हैं मिश्रण। उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। मतलब दो पदार्थों का आपस में घुलना या दो पदार्थों का आपस में घुलना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। और हमने देखा है, जब दो पदार्थों को आपस में घुलते हैं, मान लीजिए मैं कोई कंटेनर बना रहा हूँ, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। अब इसमें मैंने चीनी ली और प्लस यहाँ पे पानी लिया, चीनी ली प्लस यहाँ पे पानी लिया। और मैंने एक कंटेनर में लिया क्या लिया? पानी में। यदि मैं बालू को घोलता हूँ, किसको घोलता हूँ? उनका बालू को। तो हमने देखा है कि दोनों तो मिश्रण है, मतलब आपस में क्या कर रहा है, इसमें पानी में चीनी को मिक्स कर रहे हैं, इसमें पानी को बालू, मतलब मिक्स कर रहे हैं। पर लेकिन हमें ये पता है कि जब इसको मिक्स करते हैं, ये तो पूरी तरीके से चीनी पानी में घुल जाती है, जबकि पानी में बालू पूरी तरीके से नहीं घुलती। तो हम अतः कह सकते हैं जो मिश्रण है हमारे, दो तरीके के हो गए। मिश्रण कितने तरीके के? दो तरीके के। एक तो मिश्रण ऐसा है जो पूरी तरीके से घुल गया, और जो पूरी तरीके से घुल जाता है उस मिश्रण को हम नाम देते हैं समांगी मिश्रण। उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिश्रण। इस मिश्रण को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिश्रण। और जो पूरी तरीके से नहीं घुला, वो भी एक मिश्रण है, पर लेकिन उस मिश्रण को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? उस मिश्रण को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो इस पहले वाले को हम हिंदी में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, और इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सर। तो समझिएगा कि कुछ लोग जो है समांगी मिश्रण, क्या कहा मैंने? समांगी मिश्रण। तो समांगी जो मिश्रण होता है, यानी कि एक दूसरे का आपस में पूरी तरीके से मिल जाना या घुल जाना, उसी को हमने नाम दिया है सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? मिश्रण दो तरीके के होते हैं, या तो कोई पूरी तरीके से घुल जाता है, पूरी तरीके से नहीं घुलता। जो पूरी तरीके से घुलता है, उस मिश्रण को नाम दिया है समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो अब हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मिश्र क्या होता है, समांगी मिश्र क्या होता है, अब विषमांगी मिश्र क्या होता है, और समांगी मिश्र को ही हम बिलियन कहते हैं। ये दोस्तों रिवीजन क्लास है, तो आप किस भी समझिएगा, तो आप स्पीड से थोड़ा कराना पड़ेगा, तो आप जल्दी जल्दी से समझते जाइए। यदि नहीं समझ में आए तो मुझसे संपर्क करें कमेंट में, ठीक है। तो मिश्र समझ में आया होगा, और बिलियन। अब हम चलते हैं सीधा बिलियन की कहानी पर। मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों बिलियन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिलियन। क्या लिखता हूँ? बिलियन। अब बिलियन के बारे में समझते हैं। बिलियन, अब ध्यान से देखिएगा, जब हमने पानी प्लस चीनी को घोला, देखा है हमने नेचर में कि पानी प्लस चीनी को घोलते हो तो पूरी तरीके से मिल जाते हैं। तो हम कहीं ये ना कह सकते, ये कह सकते कि ये मिक्स हुए, अब क्या बना? सॉल्यूशन, यानी कि मिश्रण। और मिश्रण कौन सा? समांगी। और समांगी मिश्रण को क्या नाम दिया? बिलियन। तो बिलियन में इसके अंदर दो पार्ट है। कितने पार्ट है? दो। एक तो वो है जो जिसे हमने घोला है, जिसे हमने घोला है, और एक वो है जिसमें हमने घोला है। तो बिलियन के पार्ट, बिलियन के घटक हो गए दो, ना कि बिलियन दो प्रकार के। क्या मैंने? बिलियन दो प्रकार के नहीं है, बिलियन के घटक किए हैं मैंने दो। एक तो वो है जिसमें घोला है, और जिसमें हम किसी सब्सटेंस को घोलते हैं उसको कहते हैं विलायक। आपने नाम सुना होगा सॉल्वेंट। क्या नाम सुना होगा? सॉल्वेंट। इसको कहते हैं विलायक। और जो कम मात्रा में जिसे घोला जा रहा है उसको हम बोलते हैं विलेय। उसको क्या बोलते हैं? विलेय। क्या कहा मैंने? तो विलायक। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जो अधिक जिसमें हम घोलते हैं उसको तो कहते हैं विलायक, ठीक है।
और जिसे बोलते उसे बिले। इसका मीन्स यहाँ पे पानी हमारा बिलायक होगा जबकि हमारी चीनी यहाँ पे बिली होगी। क्यों? क्योंकि चीनी को घोला है पानी में, तो पानी क्या है? बिलायक। समझ में आया होगा। और बिलायक के कुछ पॉइंट है, उनको आप लिख लीजिएगा। मतलब बिलायक होता कौन है समझिएगा, बिलायक कौन होता है जो सबसे पहली बार अधिक मात्रा में होता है। क्योंकि हम देखा है हमने पानी में जब चीनी घोलते हैं तो ऐसा नहीं है पानी कम मात्रा में लेते हैं, पानी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, चीनी 2 चम्मच या 3 चम्मच ऐसे डालते हैं। तो हम कह सकते हैं जो अधिक मात्रा में होता है, जो कैसी मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो उसे हम विलायक कहेंगे। सेकंड कंडीशन क्या क्या कहा मैंने? फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। सेकंड कंडीशन, विलायक हमने देखा है कि ज्यादातर हम किसी सब्सटेंस को घोलते हैं, किसी पदार्थ को आपस में घोलते हैं, वो पानी के अंदर ही घोला जाता है। तो हम सेकंड पॉइंट है 99.99% हमारा जल ही एक ऐसा है जो विलायक होता है, यूनिवर्सल विलायक, यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक जो पानी को ही कहा जाता है। तो 99.99% जल ही विलायक होता है। सेकंड कंडीशन, 99.99% जल ही क्या होता है? विलायक होता है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, जिसके अंदर घोलते हैं वो विलायक होता है। क्या कहा मैंने? जिसके अंदर घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं। थर्ड कंडीशन ये आपकी हो गई। कुछ कंडीशन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। विलायक के बारे में कुछ ज्यादा आपको पढ़ना है इसीलिए, ठीक है? तो ये तो हो गए आपके विलयन के कुछ घटक है, एक तो विलय और एक विलायक। तो अब हम ये नहीं कह सकते, ये भी तो कह सकते हैं कि विलय और विलायक से हमारा क्या बन रहा है? एक विलयन बन रहा है, यानी सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है विलयन, क्या निकल के आता है? विलयन इज इक्वल टू विलय, क्या है? विलय और प्लस विलायक। तो हम ये भी तो कह सकते हैं विलयन जो है विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? विलयन। इसे क्या कहते हैं? विलयन। तो यदि यहां से विलायक निकल रहा हूं तो विलयन माइनस विलय हो जाएगा, ये विलय निकल रहा हूं तो विलयन माइनस विलायक हो जाएगा। ये आपके कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो मैं समझता हूं। तो यहां से विलय कंप्लीट हो गया, अब विलायक हो गया। अब हम पढ़ते हैं, अब समझिएगा। अब जो क्या है कि हमने जिसमें जितनी चीनी डाली, तो अब मैं जरूरी नहीं है मैं प्रत्येक बार चीनी ही कहूंगा, क्योंकि हमने देखा है पानी में हम हर बार जरूरी थोड़ी है कि चीनी को ही बोलते हैं। पानी में हम तो कभी दूध को बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि विलयन बहुत तरीके हो सकते हैं। तो देखिएगा, अब मैं इसको पानी चीनी ना कहकर इसको वर्ड यूज करूंगा विलय और इसको करूंगा विलायक। समझ में आया होगा? तो हम कह सकते हैं एक बात कि इसमें जो विलय की जो मात्रा है, मतलब चीनी, विलय यहाँ पे क्या है? चीनी, मतलब पानी की मात्रा नहीं चीनी की मात्रा, और चीनी की मात्रा नहीं विलय की मात्रा, यानी कि विलय की मात्रा क्या बोल सकते हैं हम? विलय की मात्रा। और हमने पता है कि हमने सुना भी है कि विलय की मात्रा को भी किसी सॉल्यूशन में उपस्थित, यानी किसी विलय में उपस्थित जो विलय की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता। तो हम क्या कहते हैं इसको? क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन। पेपर में आया सांद्रता किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता। यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है अपने शब्दों में, तो ये क्या है? एक विलयन, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें क्या पढ़ना है? सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, कि सांद्रता को किस किस तरीके से प्रभावित किया सकता है। सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको समझिएगा। सांद्रता को हम 8 तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। सांद्रता को हम 8 तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू, और सेकंड आता है परसेंटेज वी बट्टे वी, और तीसरा आता है परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे वी, और चौथा आता है आपका पीपीएम पीपीएम, पांचवा आता है आपका पीपीबी, और छठवा आता है मूलरता। क्या आता है? मूलरता। और सातवें नंबर पे आता है मूलता। एक है मूलरता और एक है मूलता, और आठवें नंबर पे आता है उसे हम कहते हैं मूल प्रभाज। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं मूल प्रभाज। इसको हम कहते हैं मूल प्रभाज।
या इसको मोल अंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश। तो मैंने क्या कहा, पहले रिवीजन करते हैं एक बार। मैंने मिश्र के बारे में बताया कि दो पदार्थों का आपस में घुलना या मिलना मिश्र कहलाता है। मिश्र दो तरीके के देखने के लिए मिले, या तो कोई मिश्र पूरी तरीके से घुल गया और जो नहीं घुला, जो पूरी तरीके से घुल गया उसको समांगी मिश्र, जो नहीं घुला उसे विषमांगी मिश्र। और समांगी मिश्र को हम कहते हैं विलयन। और विलयन के हमने दो घटक देखे, एक तो विलय होता है जो कम मात्रा में और ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक, और इसके कुछ पॉइंट है जो अधिक मात्रा में उसे विलायक, 99.99% जब भी विलायक होता है और जिसके अंदर होते हैं उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो अधिक मात्रा का मतलब जो है यहाँ पे मोल से है, अधिक मात्रा का मतलब हमेशा मोल से होता है केमिस्ट्री में, याद रखिएगा। और हमने इससे फॉर्मूला बनाया कि विलेय प्लस विलायक से बन रहा है हमारा विलयन। क्या करना है? विलयन। अब हमने पढ़ा विलेय की जो इसमें मात्रा है तो उसको तो हम क्या कहते हैं, अब किसी ने पूछा कि सांद्रता क्या होती है, तो आप कहना विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। अब इस सांद्रता को प्रभावित करने वाली कारक मोल रता और मोल रता एंड मोल प्रभार, इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि मोल रता क्या होती है, मोल रता क्या होती है, मोल प्रभार क्या होता है। तो समझिएगा इधर कुछ दो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को करते हैं। पहले हम परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू या परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी या परसेंटेज वी बटे वी का मींस समझते हैं। तो समझिएगा यदि कहीं ये लिखा मिल जाए परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, या ये चीज मिल सकती है परसेंटेज वी बटे वी, या ये मिल सकता है परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी, ठीक है। यदि ये दिख जाए परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, इसका मतलब है मास अपॉन मास, यानी कि वजन, यानी कि वजन, वजन का मतलब किलोग्राम या ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राम में यूज करेंगे, तो इसका मतलब इस दोनों के तो मात्रा का मैं किसमें लेने, ग्राम में वेट, ठीक है। और ये भी क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मात्रा मिलीलीटर, इसका भी मिलीलीटर। और यहाँ पे हो गया ग्राम और वी का हो गया एम एल, ठीक है, एम एल। अब समझिएगा, तो मान लीजिए हमारे पास दे रखा है कहीं 10% डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, ये दे रखा है, मान लीजिए नमक NaCl दे रखा है, क्या है, NaCl को घोला गया, ठीक। तो इसका मतलब 10 तो हो जाएगा, ये परसेंट का मतलब प्रति 100, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रति 100, और क्या है 10% हमने क्या किया है NaCl को घोला है, तो NaCl घोला है तो इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा, 10 ग्राम ये क्या हो जाएगा विलेय, यानी कि 10 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूट, क्या हो जाएगा ये विलेय हो जाएगा, ठीक है। और 100 यानी कि टोटल क्या बना हमारा बिलियन, तो ये 100 क्या रहेगा हमेशा, ये 100 रहेगा हमारा बिलियन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा था 10 ग्राम, ये था 100 ग्राम, तो हम कह सकते हैं 100 में से यदि हम बिले को हटा दें, 100 में से बिले को हटा दें, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, विलायक की मात्रा निकल आएगी। तो 100 - 10 तो इक्वल टू कितना होता है 90 ग्राम, तो ये निकला है हमारे पास विलायक। विलायक कितना ग्राम निकला है, 90 ग्राम, यानी कि हमारे पास 90 ग्राम में हमने जल में 90 ग्राम क्या है, जल में हमने NaCl को 10 ग्राम मिलाया था। अब ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख दूं 10% V बटे V, तो यहाँ पे समझोगे 10 ml और बटे 100 ml, यानी कि 100 ml में हमने 10 ml यहाँ पे आप ग्लूकोज नमक कुछ भी लिख लो, मतलब उसमें इतना मिलाया था, उसका मीन ये होता है, उस ऊपर वाले में आएगा यहाँ पे ग्राम और उस यहाँ पे आएगा मिलीग्राम। तो इसलिए वहां पे हम यूज करेंगे डेंसिटी शब्द को, डेंसिटी जो वर्ड है यानी कि घनत्व, उससे हम निकालेंगे, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को करते हैं, तो बहुत आसान है करना, यहाँ पे 60 का 60 लिख देंगे अपॉन में 100 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 100 परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 60 क्या हो जाएगा ग्राम, 100 भी ग्राम, उसने पूछा जलीय विलयन है, तो यहाँ पे विलेय तथा विलायक बताइए, तो 60 क्या 60 ग्राम में हो जाएगा ये विलेय, और कौन सा विलेय है यहाँ पे ग्लूकोज विलेय है, और 100 क्या हो जाएगा विलयन, 100 क्या हो जाएगा विलयन। तो हम कह सकते हैं विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, तो यहाँ पे हम विलायक निकाले, क्या निकाले विलायक, तो बहुत आसान है, 100 में से घटा दीजिए विलेय को, 100 - 60 इक्वल टू 40 ग्राम, ये क्या निकला हमारे पास, ये निकला है हमारे पास क्या, ये निकला है हमारे पास विलायक। तो आप कभी ये मत कहना कि विलायक यहाँ पे 40 ग्राम है और यहाँ पे 60 ग्राम विलेय है, तो आप कहीं वो टॉपिक वो यदि कंसेप्ट लगाएं कि यहाँ पे विलेय की मात्रा नहीं सॉरी विलायक की मात्रा ज्यादा है, वहां पे विलेय की मात्रा, यहाँ पे विलायक की मात्रा कम है और वहां पे विलेय की मात्रा ज्यादा है,
तो मात्रा ज्यादा है ना कि मोल। और मैंने कहा था कि यहाँ पे डिफाइन हम करेंगे मोल में, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लाया जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50/100। यहाँ पे 50 ग्राम दे रखा है, 50 ml दे रखा है, ये बात याद रखिए। और इसमें से विलेय और ब्लैंक निकालने के लिए हम डेंसिटी जो वर्ड है उस टर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे डेंसिटी दे रखी होगी क्वेश्चन में। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। और आगे क्या है, अब बात करने वाले हम मूल लता क्या होती है, एंड मूल लता क्या होती है, एंड मूल प्रवाह क्या होता है। इन तीनों टर्मों को समझिएगा, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल लता होती क्या है, मूल लता कहती है कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित, क्या कहा मैंने, यदि 1 लीटर मूल लता क्या कहती है कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित, क्या कहा मैंने, 1 लीटर विलेय में उपस्थित। मान लीजिए यहाँ पे मैं कंटेनर बना रहा हूँ और इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है, किसकी मात्रा लिया है, वाटर। और यहाँ पे हमने मान लीजिए मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहा हूँ, यानी कि 1 लीटर विलेय, क्या कहा मैंने, 1 लीटर विलेय में उपस्थित, क्या है, 1 लीटर विलेय है। और इसमें कुछ उपस्थित है, क्या है, कुछ ना कुछ विलेय डाला होगा मैंने, कुछ ना कुछ सॉलिड को घोला होगा। 1 लीटर विलेय में उपस्थित किसकी मात्रा, विलेय के मोलों की। यहाँ पे विलेय के मैंने कहा था मोल यूज होंगे, तो 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मूल लता कहलाती है, क्या कहा मैंने, मूल लता क्या होती है, 1 लीटर क्या लेना है, विलेय 1 लीटर विलेय में उपस्थित और विलेय के जितने मोल है उसकी संख्या, और वो उसे कहते हैं मूल लता। तो मूल लता फॉर्मूला क्या होता है, मूल लता हम यहाँ पे लिखेंगे मूल लता विलेय के मूल, क्या कहा मैंने, विलेय के क्या है, विलेय के मूल बट्टे, विलेय के मूल बट्टे विलेय का क्या है, आयतन है, तभी तो लीटर में है, तो विलेय के मूल बट्टे विलेय का आयतन, विलयन का क्या है, आयतन, विलयन का आयतन किस में है, लीटर में, विलयन का आयतन किस में है, लीटर में। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे किया क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, तो फॉर्मूला क्या है, विलेय के मूल बट्टे विलयन, टोटल हमेशा टोटल जो हिस्सा होता है हमेशा नीचे लिखा जाता है, टोटल का उदाहरण विलयन, यानी विलेय के मूल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। और तब भी लीटर में ना दिया हो तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, कितने का, यदि ये ml में दे रखा हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 1000 का, याद रखिएगा। अब समझते हैं मूल लता मूल लता क्या होती है, एक मूल लता यहाँ पे लिखेंगे मूल लता, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, क्या मैंने, क्या कहा मैंने, यहाँ पे विलेय के मूल लिए हैं और यहाँ पे विलायक के मूल, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, क्या कहा मैंने, 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ पे हमें एक क्या लिया था, लीटर लिया था, और यहाँ पे बस किलोग्राम करना है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, क्या, विलायक में उपस्थित विलेय के मूल। तो फॉर्मूला क्या है, विलेय के मूल, फॉर्मूला क्या बन रहा है, विलेय के मूल बट्टे विलायक का क्या लेना है, विलायक का मैंने द्रव्यमान किलोग्राम कहा है तो वहां पे द्रव्यमान आया है, यानी विलेय के मूल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में लिया जाता है, और यदि ग्राम में दे रखा हो, यदि ग्राम में दे रखो तो यहाँ पे एक गया था मल्टीप्लाई कर देना, यानी एक गया कर देना मल्टीप्लाई सॉरी दोस्तों। और यदि मोल प्रवाह पूछे तो क्या करना है, तो विलेय के मोल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे विलेय के मोल लीजिए, या विलेय के मोल ले सकता है वो, या तो विलायक के मोल, किसके मोल, विलायक के मोल, और बट्टे यहाँ पे करना है आपको कुल मोल, क्या कहा मैंने, मोल प्रवाह क्या है, या तो विलेय के मोल पूछे तो वहां पे विलेय के मोल, या विलायक के पूछे तो विलायक के मोल, पर लेकिन एक के पूछे, एक एक करके दोनों के पूछे तो पहले एक का निकालना, मान लीजिए पहले विलेय के पूछे तो विलेय के मोल, फिर दोनों को जोड़ देना, यानी विलेय प्लस विलायक के मोल, यदि विलायक के पूछता है तो ऊपर विलायक के मोल, फिर नीचे टोटल मोल, तो ऐसे निकल जाएगा हमारा मोल प्रभाव। तो इसको हम छोटी एम से, इसको दोस्तों बड़ी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको छोटी एम से। मूल लता क्या होती है, 1 लीटर विलेय में उपस्थित, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, ठीक है, और मूल लता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या,
और वो कहती है विलय के मोल या विलायक के मोल बट्टे कुल मोल मूल प्रवास कहलाता है। तो ये आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, और दो और टर्म थे हमारे, एक तो था पीपीएम, क्या था पीपीएम, और एक था पीपीपी। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10^6, 10^6, और बिलियन का मतलब 10^9। ये होता है मिलियन और बिलियन का मतलब, याद रखिएगा। तो दोस्तों अब हम समझते हैं बिलियन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किसके प्रकार पढ़ने वाले। अब हम पढ़ने वाले बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, और बिलियन के जो प्रकार हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। बिलियन के प्रकार जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के, यहाँ पे लिख देता हूँ सांद्रता के आधार पर, मतलब सांद्रता या तो कम करी जाए या सांद्रता ज्यादा करी जाए। तो बिलियन के आधार, सांद्रता के आधार पर जो बिलियन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बिलियन कितने प्रकार के? दो। या तो बिलियन हमारा तनु हो सकता है या तो बिलियन हमारा सांद्र हो सकता है, केवल दो कंडीशन ही देखने के लिए मिलती है। तनु का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन, क्या पतला सॉल्यूशन, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है। और तनु का मतलब कोई भी सॉल्यूशन होगा तो हमारा पतला कब होगा या गाढ़ा कब होगा, तो पतला सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा हो, यानी पानी ना कह के अब हम यूज करेंगे सॉल्वेंट। तो तनु सॉल्यूशन यानी तनु बिलियन वो होते हैं जहां पे विलायक की मात्रा, तो यहां पे लिख दीजिएगा यहां पे विलायक की मात्रा ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं यहां पे विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, विलेय की मात्रा वहां पे कम होगी, और इससे विलयन में इसमें विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और विलायक की मात्रा बहुत कम होगी। इसे आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। तो जब विलायक की मात्रा ज्यादा हो या विलेय की मात्रा कम हो तो उसे तनु विलयन कहेंगे, जब विलेय की मात्रा ज्यादा हो विलायक की मात्रा कम हो तो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। समझ में आया होगा, ये तो बहुत एक्सपेरिमेंट या तो बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ध्यान से देखिएगा, विलयन जो होते हैं वो इसी के आधार पर और भी है। एक तो होता है संतृप्त विलयन, एक जो हमारे कुछ कंसेप्ट है जिनको हम संतृप्त, संतृप्त विलयन इसको कहते हैं संतृप्त विलयन, और एक होता है हमारा असंतृप्त विलयन। क्या होता है? असंतृप्त विलयन, यहाँ पे विलयन आप आगे लगा लीजिएगा, और एक होता है अति संतृप्त विलयन। क्या होता है? अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। ये तीन तरीके के विलयन और हैं, इनको समझिएगा। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इन तीनों के पास मैंने एक कंटेनर बनाया, और एक कंटेनर में मैंने पानी डाल रखा है, पानी है बहुत सारा, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ सब्सटेंस यानी कि कोई सब्सटेंस को घोला, मान लीजिए मैं चीनी ही घोल रहा हूँ, तो मैंने देखा है यदि ऐसा विलयन, तो तीनों ही विलयन है, एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, क्या कहा मैंने, निश्चित ताप पर। संतृप्त विलयन क्या होता है? जब हम निश्चित ताप पर उसमें विलय जो है, मान लीजिए कोई निश्चित टेम्परेचर है, हम उसमें पानी में चीनी घोल रहे हैं, घोल रहे बस, तो ऐसे क्या है, निश्चित ताप पर, क्या कहा मैंने, निश्चित ताप पर, क्या कहा मैंने, नोट कीजिएगा, निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा, तो उस जब विलय की जो अधिकतम मात्रा होगी उससे जो विलयन बनेगा उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। मान लीजिए उसमें निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा है, उसे उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। और तो इसमें हमने सॉल्यूशन में किसको बोला, इस सॉल्वेंट में हमने बोला चीनी को, और चीनी हमने देखा निश्चित ताप पर अधिकतम उसकी मात्रा होगी, कम से कम हमारी अधिकतम मात्रा होगी 20 ग्राम, इसमें निश्चित ताप नहीं होगा, तो इसमें होली है मान लीजिए हमारी 10 ग्राम। अति संतृप्त का मतलब होता है उसमें अत का मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्ती करना, तो इसमें हमने घोल दी 30 ग्राम, यानी कि इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ा के, यानी कि उसमें अत करना है यानी कि ज्यादा करनी है, तो किसी सब्सटेंस में किसी विलयन में विलय की मात्रा तभी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, मतलब और ज्यादा तभी बढ़ाई जा सकती है, उसे टेम्परेचर उसका हाई कर दें तो उसे बढ़ाई जा सकती है। तो संतृप्त क्या होता है? निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा, यहाँ पे अनिश्चित ताप होगा, यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ा के जब विलयन बनाया जाएगा, विलय की मात्रा बढ़ाई जाएगी, तो उस विलयन को कहते हैं अति संतृप्त विलयन। यहाँ पे जो संतृप्त विलयन है इसमें ये तो है हमारा विलय, क्या है ये विलय, संतृप्त विलयन में जो
और मैंने पढ़ा है आपको भी कि बिले की मात्रा सांद्रता कहलाती है, बट क्या है हमें संतृप्त बिले में जो बिले की मात्रा जो होती है उसको हम बिलियता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियता, सॉल्युबिलिटी। तो बिलियता क्या होती है? संतृप्त बिले में उपस्थित बिले की मात्रा को हम बिलियता कहते हैं। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, इसको नोट कीजिएगा, मैं आगे पढ़ाता हूँ। पढ़ते हैं हेनरी का नियम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बास्पदा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे साम्यावस्था, फिर पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो हेनरी का नियम है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बातें आप याद रखिएगा कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या कहता है पहले इसको समझते हैं। हेनरी का नियम पहले आप बेसिक से समझिएगा कि आपने प्रैक्टिकली में देखा है जब आप कोई स्प्राइट की बोतल या कोई थम्सअप या कोको कोला कोई भी लाते हो तो आपने अक्सर देखा है जब स्प्राइट की बोतल को कोको कोला को जब हिलाते हैं तो उसके बाद यदि एक साथ ढक्कन खोल दें तो वहाँ पे गैस बन जाती है, तो वहाँ पे एक संग ऊपर पानी हरी जो स्प्राइट होती है वो थम्सअप या जो भी निकल जाती है। क्या कारण होता है वहां पे जो होता है एक स्थिर टेम्परेचर पे के, क्या स्थिर ताप पर वहां पे गैसें जो है बहुत अधिक दाब पर वहां पे उनमें क्या भरी जाती है? गैस भरी जाती है और जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बहुत अधिक दाब पर गैस उसमें दबाई जाती है, तब वहां से फिर गैस जब वहां उसको हटाते हैं तो गैस जो है फैलना चाहती है, गैस है तो फैलना चाहती है, तो उसी के साथ वहां से गैसें निकलती है। वही बस बता दिया हमारे हेनरी साहब ने, बस उसी को हमने थोड़ा मैथमेटिक्स रूप में भी लिख लिया। उन्होंने ये क्या कहा कि स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर फिक्स रखना है, गैस का दाब यानी गैस पे जो दाब लगा रहे हैं, यानी कि हम बोतल में जो दाब लगाते हैं किसका किस पर लगाते हैं? गैस पर। स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस के मोल प्रभाव के, गैस के जो मोल प्रभाव है बिले के मोल या बिलाय के मोल, क्या कहा मैंने? स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस के मोल प्रभाव के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यदि हम जो गैस का दाब के गैस के मोल प्रभाव बढ़ा रहे हैं तो स्थिर ताप पर गैस का दाब भी बढ़ेगा तो उसके मोल प्रभाव भी बढ़ेंगे। ये होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब, प्रोपोर्शनली का मतलब ये होता है, समझते हैं? ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप रट लीजिएगा एकदम अच्छी तरीके से और इसको समझिएगा पहले कि कहते हैं स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस के मोल प्रभाव के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समझते हैं क्या कहा, स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस के मोल प्रभाव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो स्थिर ताप पर गैस का दाब यानी कि प्रेशर किसका? गैस का। गैस के लिए हम क्या यूज करेंगे? गैस यानी कि प्रेशर ऑफ गैस, समझिएगा प्रेशर ऑफ गैस। अनुक्रमानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल होता है मोल प्रभाव के, किसके मोल प्रभाव के? गैस के मोल प्रभाव के, यानी हम यहां पे लिखेंगे एक्स गैस। एक्स गैस का मतलब है गैस के मोल प्रभाव, यहां पे एक्स का मतलब है मोल प्रभाव, तो पूरे का मतलब है गैस के, क्या है? गैस के मोल प्रभाज, क्या है? गैस के मोल प्रभाज। यदि मैं लिख दूं एक्स ए तो क्या है? ए के मोल प्रभाज। यदि मैं लिख दूं एक्स आ, यदि मैं एक्स लिख दूं एक्स सुमित, क्या लिख दूं? एक्स सुमित, तो क्या है? सुमित के मोल प्रभाज। यदि मैं लिख दूं एक्स विराट कोहली तो विराट कोहली के मोल प्रभाज, उसका मीन्स ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पी गैस प्रोपोर्शनली है एक्स गैस के, समझ में आया होगा। तो अब इसको हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको मैं पहले मिटा दूं, समझिएगा बस जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कहा था ये सब। तो जब हमें आपने पढ़ा है कि जब भी प्रोपोर्शनल को यानी अनुक्रमानुपाती को जब हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? पी गैस इक्वल, यहाँ पे आता है कॉन्स्टेंट ऑफ के, यहाँ पे एच आता है और यहाँ पे एच का मतलब आपको बताता हूं मैं अभी। यहाँ पे K का तो मतलब है कांस्टेंट, H का मतलब है जो है आपका हेनरी साहब, H का मतलब है हेनरी के द्वारा दिया गया कांस्टेंट। तो P गैस प्रोपोर्शनल होता है X गैस की, जब P गैस कांस्टेंट इसको हटा दे तो कांस्टेंट आ रहा है, इसको कहते हैं K गैस, और ये X गैस यानी कि X के मोल प्रभाव, और X का यहाँ पे X क्या है? गैस, यानी गैस के मोल प्रभाव क्या है? स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस के मोल प्रभाव के अनुपातिक होता है। समझ में आया होगा हेनरी का नियम, ज्यादा बहुत कुछ बड़ा नहीं है पर लेकिन पेपर में आता है। बाष्पदाब होती क्या है कि साम्यावस्था में बाष्प की दाब को हम बाष्पदाब कहते हैं। बाष्पदाब क्या है कि साम्यावस्था में बाष्प की दाब, तो यहां पे हम लिख सकते हैं साम्यावस्था में, क्या है? साम्यावस्था में बाष्प की दाब, साम्यावस्था में बाष्प की दाब,
तो साम्यावस्था में जो वाष्प की जो दाब होती है उसको हम कहते हैं वाष्प दाब। अब फिर अगला है इक्विलिब्रियम, यानी कि इसको बोलते हैं हम साम्यावस्था। इस चैप्टर के हिसाब से साम्यावस्था का मींस क्या है तो समझिएगा। मान लीजिए मैंने कोई कंटेनर बनाया और यहाँ पे मैं इसे हीट कर रहा हूँ, हीट बंद है और यहाँ पे कोई पानी है, यहाँ पे यहाँ तक क्या है मैंने इस कंटेनर में पानी है, यहाँ पे से मैंने पिस्टन के थ्रू एक दबाव ढक रखा है। अब कभी देखिएगा, अब मान लीजिए यहाँ तक पानी है, ये क्या है यहाँ तक, ये नीचे तक पानी भरा हुआ है। जब भी मैं कभी इस पानी को गर्म कर रहा हूँ तो पानी जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, अभी उठाने की कोशिश करेगा पर लेकिन यहाँ पे बेड रख दिया है बहुत अधिक, यहाँ पे बेड रखे हैं बहुत सारे, क्या रखे हैं बेड रखे हैं, ठीक है। तो जब भी मैं गैस को तेज करता हूँ तो मैंने देखा है यहाँ से पानी इवेपोरेशन यानी वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है। फिर हमने देखा है कि यहाँ पे इस प्लेट पे आके चिपक जाता है बूंद बूंद और फिर वो नीचे गिरती रहती है, ऐसे ही चलता रहता है। तो कभी एक ऐसा समय आएगा कि पानी जो है जितना ही ऊपर जा रहा है उसी यहाँ से प्लेट से उतना ही नीचे आएगा, उतने का मतलब जितना ऊपर गया इस पे बूंद और उतनी ही नीचे आएगी। तो कभी ऐसा समय आएगा, क्या कहा मैंने, तो कभी ऐसा समय आएगा कि यहां से इवेपोरेशन की दर और ऊपर से नीचे जाने की दर दोनों बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाते हैं। द्रव से बाष्प बनने की दर तथा बाष्प से द्रव बनने की दर, क्या कहा मैंने, यदि द्रव से जितना बाष्प बनेगा और उतना ही बाष्प से द्रव बनना है तब वो समय आएगा, उस समय को कहेंगे कि हाँ ये साम्यावस्था में आ गया। द्रव से बाष्प बनने की दर तथा बाष्प से द्रव बनने की दर साम्यावस्था कहलाते हैं, उस समय को हम साम्यावस्था कहेंगे, लिख लीजिएगा। फिर अगला आता है आपका मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट राउल्ट का नियम, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में बहुत आगे तक नहीं घुसूंगा तो क्योंकि दोस्तों इतना समय नहीं है, पर लेकिन समझिएगा राउल्ट के नियम को मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा जस्ट एकदम अच्छी तरीके से। हेनरी का नियम तो आपके समझ में आया होगा, जिनको कोको कोला की आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो बहुत आसानी से। राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो राउल्ट साहब क्या कहते हैं कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर फिर से फिक्स रखना है, और दोस्तों इसका ग्राफ एक और बना दो हेनरी के नियम की, एक्स यहाँ से गैस ये आता है एकदम, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स गैस, यहाँ पे एक्स गैस और यहाँ पे एक्स के मोल प्रभाव, ये क्या है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा पी गैस और यहाँ पे लिख दीजिए एक्स गैस, ठीक है, ये एकदम सीधे आता है कॉन्स्टेंटली, ऐसा होता है ग्राफ। फिर राउल्ट का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर, क्या कहा, स्थिर ताप पर बिलियन का बाष्प दाब, यानी बिलियन से जो बाष्प दाब बन रही है बाष्प के द्वारा लगाया गया दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि यहाँ पे विलायक के मोल प्रभाज लेने हैं, तो क्या है ये स्थिर ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमें क्या है स्थिर ताप पर, तो स्थिर ताप पर विलयन का वाष्प दाब यानी दाब लग रहा है फिर से, यानी कि पी एस यानी कि सोल्यूशन विलयन अनुक्रमानुपाती है इसके वाष्प दाब विलयन के विलायक के मोल प्रभाज के, यानी विलायक के मोल प्रभाज, मैंने बताया था ये x यहाँ पे विलायक लिख दू, x क्या लिख दू x विलायक, तो ये विलायक के मोल प्रभाज अनुपात किया पी एस यानी कि स्थिरता पर विलयन का वाष्प दाब, पी वाष्प दाब यानी कि दाब है किसके विलयन के सॉल्यूशन, तो फिर से यदि हम इसको हटाएंगे तो वहां फिर से कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ पे पी एस प्रपोजल आता है, यहाँ पे आता है पी नॉट और x विलायक, क्या है ये x विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पे p नोट क्या है शुद्ध, क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है p नोट, यहाँ पे क्या है पहले एक बार समझिएगा, फिर से स्थिर ताप पर यानी कि टेम्परेचर फिक्स पर हमने देखा है विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन की जो वाष्प के द्वारा लगाया गया ताप है विलायक के मोल प्रभाज के, यानी कि विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि विलायक के मोल प्रभाज x विलायक, तो इसका मींस विलायक के मोल प्रभाज अनुक्रमानुपाती है ps, यानी कि p का मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वाष्प यहां पे दाब है ये वाला वाष्प का दाब, ठीक है, तो इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यानी p नॉट आया जिसको बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, समझ में आया हुआ। जो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे, एक तो हेनरी का नियम, एक है राउल्ट का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, वो है हमारे अनुसंख्य गुणधर्म, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको समझिएगा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कुछ चार बहुत ज्यादा करा रहा हूँ, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, ये जो चारों है ये पेपर में फुल आने की संभावना है चैप्टर नंबर 2 से, तो
तो पहले हम पढ़ते हैं अनुसंगिक गुणधर्म होता क्या है। अनुसंगिक गुणधर्म को जो बता रहा हूं उसको समझिएगा, समझिएगा ऐसे गुण, क्या कहा मैंने, ऐसे गुण जो हमने देखा है कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो उसके केवल अणुओं पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, केवल उसके अंदर के मॉलिक्यूल पर निर्भर करती है, ना कि नेचर पर डिपेंड करती है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि जो केवल अपने, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो अपने मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं, ना कि बाहर के नेचर पर। तो ऐसे ही अणुसंघ के गुणधर्म क्या है, ऐसे गुण जो केवल अपनी अणुओं की, अणुओं पर निर्भर करते हैं ना कि प्रकृति पर, जो केवल अणुओं की किस पर, संख्या, मतलब संख्या पर, जो ऐसे गुणधर्म जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं ना कि प्रकृति पर, उन गुणधर्मों को हम अणुसंघ के गुणधर्म कहते हैं। और ऐसे ही हमारे चार है, पहला है क्वथनांक में उन्नयन, और दूसरा है हिमांक में अवनमन, तीसरा है पराशर दाब, चौथा है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वैसे ये दोस्तों पहले लिखना चाहिए था, मैंने ये नीचे लिख दिया है गलती से। अब सबसे पहले मैं इसी को ही पढ़ाता हूँ कि चौथे वाले को, इसको चौथे वाले को, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प के दाब में आपेक्षिक हो रहा है अवनमन, इसको समझिएगा। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, अवनमन का मतलब तो उसको बढ़ना होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंटेनर है, यहाँ पे शुद्ध विलेय है हमारे पास, यानी कि शुद्ध वाटर है, ठीक है। ये H2, मैंने क्या है H2, तो यहाँ पे हम शुद्ध वाटर है, तो यहाँ पे P0 लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं। अब मान लीजिए कुछ समय आया कि मैंने इसी कंटेनर में H2O तो था, इसमें मैंने खुद ऊपर से अपना कोई विलेय ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, कुछ विलेय ऐड कर दिया, यानी कि अब इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि आ गई, यानी कि ये पी सॉल्यूशन बन गया, PAS बन गया, ठीक। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ क्या आई, कमी, किसमें कमी, किसमें कमी, यहाँ पे पी नॉट था, यानी कि शुद्ध विलयन का वाष्पदाब पी नॉट था, अब इसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई। कमी का मतलब यहाँ पे जब इसको हम टेम्परेचर देंगे बहुत आसानी से बॉयल हो जाएगा, पर लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से बॉयल नहीं होगा, तो हम कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी आई, तो हम कहीं ना कहीं ये लिख सकते हैं P0 - PS, और किसकी वजह से आई, यहाँ पे सीधा प्रपोजल होता है एक्स विलेय, यानी कि हमने कुछ ना कुछ विलेय मिलाया है, विलेय के मोल प्रवास की वजह से इसमें क्या आई है, कमी आई है। मतलब जितना ज्यादा हम किसी में मोल प्रवास मिलाते हैं उतने ये बढ़ता है, क्या उसका क्वथनांक, उसका हिमांक, उसका वाष्पदाब बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जितना हम कोई एक्स विलेय कोई भी सब्सटेंस में यदि कुछ मिला दे, मिलाते हैं, तो उसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है, उसको जमाने के लिए भी बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, ठीक है, टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब हम इसको हटाएंगे तब भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो हम लिख सकते हैं P0 - PS = यहाँ पे आता है P0, और ये होता है हमारा एक्स विलेय, क्या होता है ये एक्स विलेय। तो हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू निकाले, तो नहीं एक्स विलेय की वैल्यू निकाले तो क्या निकलता है, P0 - PS / P0 में आ जाएगा = बचेगा हमारे पास एक्स विलेय। तो ये आपके पास निकल आया वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। यदि हम विलेय की यदि पी नॉट बढ़ा दें तो एक्स विलेय घटेगा, क्या कहा, एक्स विलेय घटेगा, यदि एक्स विलेय बढ़ा दें तो पी नॉट घटेगा। ये इसके अनुक्रमानुपाती नहीं है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए। तो यहां से हमारा फर्स्ट जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है यहाँ पे खत्म, कि यानी कुछ ना कुछ इसमें कमी आई तो माइनस किसकी वजह से, एक्स के मोल की वजह से, एक्स का मोल प्रवास हमने कुछ ना कुछ इसमें डाला इस वजह से, तो इसको हटा दे तो पी नॉट एक कांस्टेंट आता है, तो पी नॉट माइनस पी एस इसे मल्टीप्लाई में इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू हमारे एक्स के मोल प्रवास। तो ये था हमारा चौथा अणुसंघ के गुणधर्म। अब चलते हैं हम पहले पे, क्योंकि ये पहले लिख रहा था, उसके बाद था क्वथनांक में उन्नयन, क्या था उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है दोस्तों, आपको मैं समझता हूँ क्वथनांक के बारे में पता होगा, हिमांक के बारे में पता होगा, तब मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट किया है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट की तरफ, इसको नोट कर लीजिए साथ के साथ में। पहला है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, क्या है क्वथनांक में उन्नयन। मान लीजिए कुछ सॉल्वेंट है, इसी सॉल्वेंट में ये यहाँ पे वाटर है, यदि इसमें कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्या कहा मैंने अभी, क्वथनांक में उन्नयन मान लीजिए कुछ सब्सटेंस है, यहाँ पे वाटर डाल रखा है, यदि इसमें कोई सॉल्वेंट या कुछ इस सॉल्वेंट में मान लीजिए देखा है हमने वाटर है, यदि वाटर में हम कोई सब्सटेंस ऐड करें, मान लीजिए मैं चीनी को ऐड कर रहा हूँ,
तो उसका 100% कुछ ना कुछ क्वथनांक बढ़ेगा, कुछ ना कुछ क्वथनांक बढ़ेगा। तो मान ले आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप कोई गिलास लीजिएगा उसमें पानी डालिएगा, उसे जब गर्म कीजिएगा बहुत आसानी से जल्दी गर्म हो जाएगा, और कुछ ही समय बाद उसमें चीनी डाल दीजिएगा तो उसी टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा, बॉइल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ऐसा ही ये कहता है कि क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय ऐड कर देते हैं उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, भी लिख सकते हैं यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो हम ये सीधा सीधा प्रपोजल ही है किसके, मोललता के, यानी कि एक विलेय में उपस्थित, यानी कि किसी विलायक में उपस्थित, और कितना विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोललता, यानी कि हम लिखते हैं कुछ छोटी सी यूनिट दे दे, कुछ छोटी सी क्वांटिटी, इसलिए हमारा बड़ा आया मोललता, यानी कि कुछ विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि आएगी, इसमें हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्वथनांक में वृद्धि आएगी। तो ऐसे ही क्या है, तो डेल्टा टी वी का मतलब है T2 - T1, यदि हम इसको यहां से हटाते हैं तो हमारे कांस्टेंट आ रहा है जिसको कहते हैं डेल्टा, यहां पे आता है केवल टी वी मल्टीप्लाई मोललता, क्या आता है मोललता। तो डेल्टा टी वी बराबर यहां पे आता है के वी, क्या आता है के वी। तो क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनली है सीधे मोललता के, सीधा सीधा हमारा निकल के आता है डेल्टा टी वी बराबर यहाँ पे के कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाई बाई मोललता, ये हमारे यहाँ पे मोललता के। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं हम सेकंड की तरफ, मैंने फोर्थ करा ली, अब ये दोनों रह गए, ये पहला है, अब है हमारा हिमांक में अवनमन। अब हम चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, क्या है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन कहता है जब भी हम किसी शुद्ध पदार्थ में कभी कभी अशुद्धि मिला देते हैं तो इसका हिमांक जो है, अशुद्धि मिलाने पर हम देखते हैं फ्रिज में जमाने पर, किसी में भी जमाए तो वो और देर में जमता है जब उसमें कुछ ना कुछ हमने अशुद्धि मिला दी तब। तो हमने मान लीजिए इसमें डेल्टा टी परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन डेल्टा टी, और एफ का मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, एफ इसको हम हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ का परिवर्तन आया और उसके वो जो है सीधा प्रपोजली होगा मोललता के, क्योंकि वहां पे मोललता का मतलब मैंने आपको अभी बताया था। और हम जब भी इसको हटाते हैं डेल्टा टी एफ, यहाँ पे इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आता है के वी, यहाँ पे आता है के एफ, और प्रपोजल होता है मोललता के, मैंने आपको जस्ट बताया था अभी। एक तो मैंने अभी आपको मोल, हाँ जस्ट अभी मैंने आपको बताया था क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू मोललता, और यहाँ पे आता है के एफ, ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको बोलते हैं हम मोलल अवनमन, इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, क्या बोलते हैं केएफ को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीएफ प्रपोजल है मोललता के, और डेल्टा टीएफ इसको हटा देते हैं कांस्टेंट ऑफ एफ, यानी कि के एफ यानी कि फ्रीजिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई मोललता, और इसको बोलते हैं कि आपको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। अब हमारा जो रह गया, अब वो हमारा पराशर दाब, करते हैं पराशर दाब की, अब हम बात करते हैं पराशर दाब की। तो पराशर दाब को समझिएगा, तो क्या कहता है पराशर दाब, जब हम पराशर की दाब की क्रिया की रोकने के लिए, जब हम पराशर की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब यूज करते हैं उसे हम पराशर दाब कहते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें ये एक कुछ लगा है, ये जो इसे मतलब आर पार ना करने के लिए, यहाँ से पराशर की क्रिया हो रही है, इसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं पराशर दाब, इसको हम बोलते हैं एसपीएम, इसको बोलते हैं एसपीएम। मतलब पराशर की क्रिया इधर से इधर हो रही है, यहाँ पे तनु से सांद्र की ओर हो रही है, किससे, तनु से सांद्र की ओर हो रही है। क्या कहा मैंने कि पराशर की क्रिया इधर से उधर हो रही है और उसी को रोकने के लिए जो दाब यूज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं पराशर दाब, उसी को बोलते हैं पराशर दाब। अब एक और जो पॉइंट है यहाँ पे, एक और जो पॉइंट आता है निकल के आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसे बोलते हैं प्रतिलोम पराशर, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिलोम, उसे बोलते हैं प्रतिलोम पराशर, इसको भी हम समझाते हैं प्रतिलोम पराशर। प्रतिलोम पराशर को समझिएगा, प्रतिलोम पराशर क्या होता है,
जब यदि पराशर की क्रिया हो रही है, जब किसकी क्रिया हो रही है, यदि पराशर की, तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब लगा रहे हैं, तो जिसको हम पराशर दाब कह रहे हैं, यदि उसको जस्ट हम क्या कर रहे हैं, पराशर दाब से क्या कर रहे हैं, यदि हम पराशर दाब से यदि ज्यादा दाब लगा रहे हैं, तो हमने देखा है जो विलायक होता है, क्या कहा, जो विलायक होता है वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर बहने लगता है, यानी कि यहाँ पे उल्टी प्रक्रिया हो रही है, तो उसी उल्टी प्रक्रिया को वहां पे पराशर हो रहा है, तो उसी को तो हम कह रहे हैं प्रतिलोम पराशर, क्योंकि प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या कहा मैंने, जब पराशर से अधिक दाब लगाए, यानी उस क्रिया पे अधिक दाब लगाए, तो विलायक जो है सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है, तो उसी को हम प्रतिलोम पराशर कहते हैं, और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। तो यहाँ पे होता है आपके चैप्टर की समाप्ति। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मुझे वीडियो में कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।